नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश राज, आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीश राज में दोस्तों दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 800 स्क्वायर फुट में 4 BHK प्लान, साथ साथ लिविंग रूम भी बनाए हैं, ठीक है। 4 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन रूम, 1 स्टेयर, 1 लिविंग रूम, 1 हॉल, सारे चीज में इसमें कम एरिया में बताए हैं, बना के दिखाए हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इंफॉर्मेटिव नॉलेजफुल वीडियो, हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। इतना कम एरिया में आपको 4 BHK निकाल के कोई नहीं दे सकता, 2 टॉयलेट भी हमने निकाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कीजिए मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं इसी टाइप का आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाते रहें। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, और जिसने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से धन्यवाद। चलिए करते हैं वीडियो। 800 स्क्वायर फुट में आपका हाउस प्लान है, ठीक है, घर का नक्शा है जो कि शानदार है। इसमें आपका 1, 2, 3, 4 रूम हमने निकाला है, 4 BHK, जो कि आपको YouTube पे जल्दी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे लंबाई का, तो दोस्तों यह लंबाई आपका 40 फुट का है, और चौड़ाई का अगर बात कर ले दोस्तों, तो चौड़ाई यह आपका 20 फुट का, मतलब 20 फुट का है यह। तो 40 बाय 20 800 स्क्वायर फुट है। तो दोस्तों यह हमारा गेट है, मेन गेट, ठीक है, मेन गेट है जाने का, एंट्री करने का है। अब बात कर ले, इसको हम लिविंग रूम बोलेंगे, लिविंग रूम। और इसका जो साइज है लिविंग रूम का दोस्तों, 9 फुट 6 इंची गुने 10 फुट का है। तो दोस्तों हम जो एरिया बता रहे हैं आपको, या दीवार का एरिया को माइनस करने के बाद बता रहे हैं, तो 9 फुट 6 इंची आपका यहाँ से यहाँ इसका चौड़ाई हो गया, ठीक है, और 10 फुट इसका लंबाई हो गया। अब आया ये पहला बेडरूम, बेडरूम पहला, फर्स्ट। अब इसका साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 9 फुट 3 इंची गुने 10 फुट है। तो 9 फुट 3 इंची आप इसका चौड़ाई हो गया, और 10 फुट इसका लंबाई हो गया पहला बेडरूम का। और दोस्तों यह आपका दरवाजा है, D4 दरवाजा, ठीक है, डोर। उसके बाद एक दरवाजा ये है अंदर जाने के लिए, एक दरवाजा आपका ये है। तो ये हमारा पहला बेडरूम था, और ये लिविंग रूम था, और अंदर होते हुए जैसे ही दरवाजा प्रवेश करेंगे तो ये दूसरा बेडरूम है, बेडरूम सेकंड। बेडरूम सेकंड का एरिया का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 9 फुट 3 इंच गुने 10 फुट है। तो 9 फुट 3 इंच आपका ये चौड़ाई हो गया, और 10 फुट इसका लंबाई हो गया। अब आ जाती है बात दोस्तों, यह जो बरांडा है, ठीक है, इसको हम बरांडा भी से बरांडा बोल सकते हैं। बरांडा का चौड़ाई है 3 फुट 3 इंची है, और यह हमारा स्टेयर है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, और यह लैंडिंग है, और लैंडिंग से होते हुए आप छत पे चले। तो दोस्तों इसमें एक हमने खासियत है, इस टाइप का स्टेयर जो हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो स्पेस हमें बच जाएगा, तो यह हमारा डोर हो गया, तो ये टॉयलेट हम रूम बना लिए, ठीक है, टॉयलेट, TOI टॉयलेट। तो टॉयलेट रूम का सीढ़ी के अंदर जो स्पेस बना था, आप इस टाइप का सीढ़ी अगर डिजाइन करेंगे तो आपका स्पेस बनेगा, तो उसमें जो टॉयलेट का आपका साइज रहेगा 6 फुट गुने 6 फुट का आपका टॉयलेट रूम बन जाएगा, ठीक है। यह पहला टॉयलेट रूम है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात कर ले, तो ये हमारा किचन रूम है। किचन रूम का अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 5 फुट 10 इंची गुने आपका 6 फुट का है। तो दोस्तों 5 फुट 10 इंची इसका चौड़ाई हो गया, और 6 फुट इसका लंबाई हो गया। अब ये आपका OTS है। OTS का मतलब हो गया कि इनक्लोज एरिया। ऊपर से जब आप देखेंगे, जैसे कि हम इमेज में दिखा रहे हैं, ऊपर से जब देखेंगे तो यह खुला रहेगा, हवा आने के लिए अंदर, रोशनी आने के लिए अंदर। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं OTS। स्पेस नहीं था यहाँ पे, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब आया दोस्तों, यह हमारा हॉल बन गया, हॉल। तो हॉल का अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों,
तो 9 फुट 6 इंची गुने 7 फुट 11 इंची का आपका यह हमारा हॉल बन जाएगा। अब दोस्तों बात कर ले इस ये टॉयलेट प्लस बाथरूम है, ठीक है। इसका अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, टॉयलेट प्लस बाथरूम का साइज का बात कर ले तो 4 फुट गुने 7 फुट 11 इंची का होगा। दीवार का एरिया को माइनस करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। अब यह हमारा 2 बेडरूम और बच गया, तो यह हमारा दरवाजा हो गया। तो अगर इस बेडरूम का अगर बात कर ले, बेडरूम तीसरा दोस्तों 800 स्क्वायर फुट में आपको इस टाइप का डिजाइन कोई करके नहीं देगा। 4 बेडरूम एडजस्टमेंट करके कोई नहीं देने वाला है, ठीक है, वो भी 800 स्क्वायर फुट में। तो तीसरा बेडरूम का अगर साइज का बात कर ले दोस्तों, तो 9 फुट 3 इंची गुने 10 फुट का है। 9 फुट 3 इंची इसका दोस्तों चौड़ाई हो गया और 10 फुट इसका लंबाई हो गया दीवार को माइनस करने के बाद। अब आया बेड रूम नंबर 4th आया, इसका अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो इसका साइज आपका 9 फुट 6 इंची गुने 10 फुट का है। दोस्तों इधर वाले जितना रूम है उसका साइज आपका 9 फुट 6 इंची गुने 10 फुट है, ठीक है, और इधर वाला 9 फुट 3 इंची गुने 10 फुट का है दीवार का एरिया माइनस करने के बाद। आप बोलेंगे इस प्लान में कॉलम कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो सबसे पहले जो कॉलम का इंडिकेट है दोस्तों हम पेंसिल से कर देते हैं। तो कॉलम नंबर 1 यहां से स्टार्ट कर देते हैं, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4th, कॉलम नंबर 5th, कॉलम नंबर 6th, C4 कॉलम, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 10 और कॉलम नंबर आपका हो गया 11, कॉलम नंबर आपका हो गया 12, कॉलम नंबर आपका 13, कॉलम नंबर आपका हो गया 14, कॉलम नंबर 15, ठीक है, कॉलम नंबर 16। अगर आप 4 BHK बनाएंगे तो इसमें आपका कॉलम 15 से 16 लगभग लगना ही है, ठीक है, और एस्टियर के पास हमेशा 4 कॉलम का इस्तेमाल करना है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में जब कॉलम के ऊपर बताते हैं तो बोलते हैं वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब आया विंडो का बात, तो आप अपने अकॉर्डिंग विंडो लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात कर ले तो विंडो आप इस रूम में लिविंग रूम में लगा सकते हैं, विंडो इस रूम में लगा सकते हैं, विंडो इस रूम में लगा सकते हैं, W4 विंडो, ठीक है। आपका ये तो मेन गेट हो गया था अंदर जाने के लिए, जहाँ जहाँ पीला कलर से चमकीला कलर से लिखा वो सब विंडो है, आप विंडो लगा सकते हैं। अगर आपका इधर दूसरे कोई का मकान है तो आप यहाँ पे क्लोज कर देना, ठीक है, विंडो आपका यहाँ होगा, विंडो यहाँ होगा, W4 विंडो, C4 आपका कॉलम हो गया, ठीक है, W4 आपका विंडो हो गया और D4 दरवाजा हो गया जिसको हम लोग डोर बोलते हैं, ठीक है, और C4 आपका कॉलम हो गया। तो दोस्तों आशा है कि यह प्लान आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, घर का नक्शा अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।